नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। नीरव मोदी को भारत किया जाएगा प्रत्यर्पित, यूके की अदालत ने सुनाया फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा, यूके की अदालत ने फैसला सुनाया है। नीरव मोदी का पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी से करीब 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी मामला सुर्खियों में आने के बाद जनवरी 2018 में भारत छोड़कर फरार हो गया था। इसी के बाद से भारत सरकार ने नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। नीरव मोदी फिलहाल लंदन की एक जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी का मामला प्रत्यर्पण कानून के सेक्शन 137 की अपेक्षाओं को पूरा करता है। प्रत्यर्पण से बचने के लिए नीरव मोदी की तरफ से भारत में सरकारी दबाव, मीडिया ट्रायल और अदालतों की कमजोर स्थिति को लेकर दी गई दलीलों को वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि लंदन की अदालत ने इस बात से भी नकार दिया है कि नीरव मोदी की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य को प्रत्यर्पण के लिए फिट नहीं है। अदालत ने आर्थर रोड के बैरक 12 में नीरव मोदी को रखे जाने के बारे में दिए गए आश्वासनों को भी संतोषजनक बताया है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक 12 में ही रखा जाए, उसे भोजन, साफ पानी, साफ टॉयलेट, बिस्तर की सुविधा दी जाए। मुंबई सेंट्रल जेल के चिकित्सक भी नीरव मोदी के लिए उपलब्ध रहे। झूठ बोलने में कांग्रेस के लोग पदक विजेता, पीएम मोदी ने साधा राहुल गांधी और वी नारायण स्वामी पर निशाना। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर निशाना साधा। पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुदुचेरी दौरे के समय की घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झूठ बोलने में कांग्रेस पार्टी के लोग स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंग्रेज जिस तरह से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, उसी तरह से कांग्रेस झूठ बोलो, फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय को लेकर राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता यहां आए और बोले कि वे मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाएंगे। मुझे हैरानी हुई, सच्चाई ये है कि मौजूदा एनडीए सरकार ने मत्स्य विभाग के लिए अलग मंत्रालय 2019 में ही बना दिया था और उसके लिए बजट आवंटन 2 साल में 80% से ज़्यादा बढ़ा है। यूपी सरकार का ऐलान, पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने पर नहीं हो रहा है विचार। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने के लिए कोई भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और अन्य विकास कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए पेट्रोल डीजल पर वैट को कम नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक नरेंद्र वर्मा द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने के किसी भी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और अन्य विकास कार्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। भारतीयों के लिए अमेरिका से आई अच्छी खबर, बाइडेन ने ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटाई। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान लागू की गई उस नीति को निरस्त कर दिया है जिसमें कि ग्रीन कार्ड आवेदकों के अमेरिका आने पर रोक लगाई गई थी। आपको बता दें कि इस कदम से अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने वाले भारतीयों को भी फायदा पहुंचेगा। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है। यह अमेरिका में अप्रवासियों का दिया जाने वाला एक ऐसा दस्तावेज है जो कि इस बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति को स्थायी रूप से देश में रहने का अधिकार दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल बसंत में कोरोना महामारी के कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी से निपटने का हवाला देते हुए 2020 के अंत तक ग्रीन कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी, जिसे 31 दिसंबर को उन्होंने मार्च अंत तक के लिए बढ़ा दिया था। बाइडेन ने कहा कि वैध आवर्जन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। बाइडेन ने कहा कि बल्कि इससे अमेरिका को नुकसान पहुंचता है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों या फिर वैध स्थायी निवासियों के परिवार के सदस्यों को यहां उनके परिवारों से मिलने से रोकना शामिल है। राम मंदिर निर्माण में श्रमदान करेंगे इकबाल अंसारी, कहा नहीं रहा अब कोई विवाद।
जी हाँ, बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी अब अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में श्रमदान करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तान हमारा है, इसलिए चाहे वह मंदिर हो या फिर मस्जिद या फिर गुरुद्वारा हो, सभी को सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था, लेकिन आज सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब हिंदू और मुसलमान में कोई विवाद नहीं रह गया है, इसलिए अब मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू है और हम उसमें श्रमदान करेंगे। इकबाल अंसारी ने कहा कि हम यह चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाई ना करें। हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों से अपील करते हैं कि मंदिर निर्माण में श्रमदान करें। अयोध्या का जो महत्व है वह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अंसारी ने कहा कि सवाल हमारे अयोध्या का है। अयोध्या हमारे धर्म की नगरी है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम चाहते हैं कि मंदिर का काम शुरू हो, क्योंकि हर धर्म पर हर कोई आस्था रखते हैं। हमारी भी एक आस्था है। राम जन्मभूमि का काम हो रहा है, हम भी श्रमदान उसमें करेंगे, यह हमारी भी ख्वाहिश है। हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम एक साथ चलेगा तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। इस राज्य में बड़ी सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 59 नहीं, अब होगी 60 साल। जी आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने शिक्षकों और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मियों समेत अपने सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 60 साल करने का फैसला किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र में एक साल वृद्धि करने वाले मुख्यमंत्री ईके पलनीस्वामी ने विधानसभा में नियम 110 के तहत इसकी घोषणा की। यह फैसला सरकारी और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकायों और 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए मान्य होगा। पिछले साल मई में मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 59 साल कर दी थी। यह फैसला तत्काल प्रभाव में लागू हो गया है और सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा के मद्देनजर एक आदेश जारी किया है। भारत पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर की बातचीत, LOC पर सीजफायर समझौते के पालन पर सहमति। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच LOC के मौजूदा हालत पर बातचीत हुई है। ये बात हॉटलाइन पर हुई है। इसमें दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए सहमति बनी है। इसके साथ ही सभी समझौतों पर सख्ती से पालन किए जाने को लेकर भी हामी भरी गई है। इसके अलावा आधी रात से सीमा पर सीजफायर उल्लंघन न करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति हुई। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि भारत के साथ केवल कश्मीर का विवाद है और इसे वार्ता के जरिए सुलझाया जा सकता है। खान ने कहा कि उन्होंने 2018 में प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर भारत को शांति वार्ता आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा विवाद केवल कश्मीर को लेकर है और इसे वार्ता के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम पर रेटिंग्स के आधार पर दिखाए जाएंगे कंटेंट, सरकार ने बनाया नियम। जी हाँ, केंद्र सरकार ने वेब बेस्ड ओवर द टॉप यानी OTT पर कंटेंट के लिए नया नियम बनाया है। इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स होंगे। अब इन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सरकार ने क्लासिफिकेशन रेटिंग को तैयार किया है। किसी भी फिल्म या फिर इंटरटेनमेंट कॉन्टेंट के लिए दर्शकों को रेटिंग के बारे में जानकारी देनी होगी। नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के मुताबिक 18 साल या फिर इससे ज़्यादा उम्र के लिए ही एडल्ट कैटेगरी के कंटेंट देख पाएंगे। ए कैटेगरी की फिल्म को 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख पाएंगे। आपको बता दें कि दरअसल नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट को लेकर भारत में आलोचना होती रही है। हाल ही में अमेजन प्राइम के पॉलिटिकल ड्रामा शो तांडव पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था। शिकायत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश ने अमेजन इंडिया के एक अधिकारी से जवाब मांगा था। महंगे पेट्रोल डीजल से राहत के लिए RBI आया आगे, गवर्नर ने कहा केंद्र और राज्य मिलकर टैक्स कम करने के लिए उठाएं कदम। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगे पेट्रोल डीजल से राहत की पहल की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम में लागत बढ़ाने वाले कई कारक हैं। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ईंधन के दाम में टैक्स को कम करने के लिए समन्वित कदम उठाने की जरूरत है। बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए दास ने कहा कि ईंधन के मामलों में केंद्र और राज्यों के बीच एक समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही ईंधन पर टैक्स लगाते हैं।
हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों का राजस्व का दबाव है और कोरोना महामारी से देश और जनता को बचाने के लिए दोनों को भारी राशि खर्च करनी पड़ रही है। आज का मेट कुछ क्वेश्चन आ चुका है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।